सुषमा, एक साल का सामान खरीदने पर लकी डिरो की कूपन मिल रही थी और इनाम में क्या है पता है सुषमा? नई चमचमाती गाड़ी। ये कंपनी वालों के दिखाने वाले दांत और चबाने वाले दांत अलग होते हैं। टिंक चिका टिंक चिका चिका। वो फाइल्स मेरे घर पे आप पहुंचा दीजिए। जी थैंक यू। घर का सारा सामान लेके आई। गर्ल ये क्या, इतना सारा नहाने का और कपड़े धोने का साबुन में ही? घर में दुकान खोलने का इरादा है? और इन बॉक्सेस में क्या है? साबुन। इतना सारा? सफेदी का नया नाम काला साबुन, गोरा होने के लिए और काला पाउडर कपड़े चमकाने के लिए। पूरे एक साल का साबुन और पाउडर लेकर आई हूँ मैं सुषमा। What? एक साल का साबुन? आपको पता है सुषमा, एक साल का सामान खरीदने पर लकी डिरो की कूपन मिल रही थी। ड्रॉ। और इनाम में क्या है पता है सुषमा? हाय हाय, नई चमचमाती गाड़ी। पापा पापा। मही मही, इससे पहले भी कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है कि ये सब दिखावा होता है। कंपनियां ऐसे मनमोहक योजनाएं पेश करती है और ग्राहकों को लूटती है। इससे पहले भी तुम एक छोटा सा, इतना छोटा सा चांदी का सिक्का पाने के लिए शैंपू उठा के लाई थी, वो भी 25 बॉटल। उससे बाल सॉफ्ट होना तो बहुत दूर की बात थी, बाल बिजली के तारों की तरह ऐसे कड़क हो गए। बेबली, इस बार मुझे लगता है अनुसुया की बात सही है। अभी जवा दो ससुमा, वो चांदी का सिक्का मेरी किस्मत में नहीं होगा पापा। अब एक और बार किस्मत आजमा कर देखती हूँ और इस बार तो आई हाय पापा। नवी नक्को और गाड़ी का सवाल है, इनाम तो मिलेगा ही। और मेरा सपना है सासुमा कि ये कार मैं सागर जी को गिफ्ट करूं। मही, अब भी के अभी ये सारा सामान उठाओ और वापस। इस देसी मही ने अपने प्रिय पति के लिए सपना देखा है जो वो किसी भी हालत में पूरा करेगी। अपनी सासुमा की बात थोड़ी ना मानेगी। नहीं मानेगी, I'm sure नहीं मानेगी। ये आप कुछ बोल रही थी सासुमा? अच्छा है, अच्छा है। बेटे को नई चमचमाती गाड़ी की जरूरत है, लेकिन माँ को तो उसकी चिंता ही नहीं, मगर पत्नी को है ना? क्या तुम श्योर हो कि इस बार तुम्हारी किस्मत चमकेगी? हाँ सासुमा, चमकेगी चमकेगी, उसे चमकना ही होगा। और ये गाड़ी भी मिलेगी मिलेगी। तो फिर अच्छा है। Good, very good, and best of luck. Thank you, thank you. Baby, फिर से सोच, अनुसुया गलत नहीं है। अरे ना ना दादी सास, इस बार मुझे पूरा यकीन है कि मेरी किस्मत जरूर चमकेगी। चका चक गाड़ी आपसे रे हो लरिया लला। मही देवरानी को सोनिया मस्तानी का सलाम। भाभी, फाइन फैंटास्टिक टॉप टू बटन आई हाय सुपर, एकदम 5 सितारा, बाकी एकदम फाइन। झज्जर मान लग रही हो भाभी। भाभी ऐसे कपड़े क्यों पहने आपने, एकदम चमकी चमकी। वो क्या है ना, सोनिया ने मस्तानी की मूवी देखी तो सोचा कि मैं भी मस्त मस्तानी बन जाती हूँ। वैसे तो सोनिया दीवानी भी है, पर आज सोनिया मस्तानी है। आए हाय, अरे इस मस्तानी भाभी को मेरी जो नई आने वाली गाड़ी है उसमें मस्त सैर कराने ले जाऊंगे। जुप इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, सपना देखा है तूने वही। अरे लेकिन दिन के सपने पूरे नहीं होते हैं। अरे इतनी लाखों की गाड़ी ऐसे मुफ्त में कंपनी थोड़ी दे देगी। फोन फोन। हाँ, हाँ हाँ
हेलो, हाँ हाँ मही जी, सागर जी, मेहता जी बोल रही हूँ, आप कौन? ओ मारी वे, सच में लकी डिनो में मेरा नाम निकला है। हाय हाय हाय, मैं जीत गई, मैं जीत, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। हाय हाय, मैं जीत गई, मैं जीत गई। हे चमचमाती गाड़ी अब से रे हो लरिया लला डिंका चिका अचिका अचिका, गाड़ी आई डिंका चिका। सोनिया मस्तानी, मही गरबा कर रही है, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। अरे गरबा तो करूंगी ना, क्योंकि मैं गाड़ी जीत गई हूँ। बोलो मैं मात की जय। देखा ससमा, मेरी किस्मत चमक गई। अरे वाह अभिनंदन। थैंक यू थैंक यू। तुम थैंक यू सॉरी ये सब बहुत सही नहीं बोलोगी ना, नहीं सुधरोगी ना तुम। तू फंस गई है इस लकी ड्रॉ के चक्कर में। मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन तू पढ़ी लिखी है, समझा इसे। मही, मही अभी भी कह रही हूँ, ये कंपनी वालों के दिखाने वाले दांत और चबाने वाले दांत अलग होते हैं। जलन शशमा, जलन नहीं। कोई बात नहीं, कभी कभी आपको भी चलाने दे दूंगी गाड़ी, चला लेना खुश। बस पापा सासुमा ने, लेकिन सासुमा एक प्रॉमिस कीजिए, ये वाली बात ना अब सागर जी को मत बताना, मैं उन्हें मस्त सरप्राइज देना चाहती हूँ। सरप्राइज तो बहुत जल्द तुम्हें मिलने वाला है मही, आगे आगे देखो होता है क्या। यार सुया कौन से सरप्राइज की बात कर रही है? मही हाँ, तुम्हें सरप्राइज देने आए हैं ये लोग, काला पाउडर और काला साबुन कंपनी की तरफ से। ओहो जय अम्मे, मैं मही सागर जी, मेहता जी। जी 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 जी। क्या है ये? बता रहा, ये देख, ये है फॉर्म। सरप्राइज, सरप्राइज नंबर वन। इसमें लिखा है आपको कार मिलने वाली है। मस्त लिखा है। आज जरा दिखाइए वो पेपर्स। हाँ हाँ दिखाइए दिखाइए। हाँ दिखाइए। बेबली मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, ये लोग तुझे फंसाने आए हैं। अरे ना ना अवे, कुछ नहीं होगा, शांति रखो ना। ये आप किससे बात कर रही थी? ऐसे अब हाय वो पंचायत, तुम क्या है नाम है, आपने आपसे बातें कर रही थी, अब क्या है नई नक्कोर गाड़ी आने वाली है, तो बस उसी खुशी में मन में बातें कर रही थी। मन में? हाँ मैं उसका मन हूँ। वो क्या है ना, सामान्य रूप में जब ये बातें करती है तो पूरी सोसाइटी को सुनाई देता है, तो मन में बात करेगी तो घर में तो सबको सुनाई देगा ही ना, क्यों मही? शुरू किया इसने ताना मारना। यस। अब ये कार आपकी हुई। आपको यकीन है कि इस चाबी से कार चलेगी? ये बुद्धू बेबली बोली, वो सिर्फ फोटो के लिए। फोटो के लिए तो खींचे। मही क्या तुम्हें पता है कि इन पेपर्स में क्या लिखा है? हाँ हाँ सुषमा, इन लोगों ने कहा मुझसे, इसमें लिखा है कि मुझे गाड़ी मिलेगी। इन्होंने कहा और तुमने मान लिया? तो ये लोग झूठ थोड़ी बोल रहे हैं? नहीं बेबली, इसके बाद सुन। मही फिर से कह रही, साइन करने से पहले एक बार सोच ले। अब गाड़ी मिल गई फिर क्या सोचना सुषमा? मही अभी तक गाड़ी मिली नहीं है, कोई फायदा नहीं, इसे समझाऊंगी तो भी ये मेरी बात नहीं मानेगी। ठीक है करो, तुम्हें जो करना है करो। ये लीजिए। कहाँ कहाँ साइन किया है, वो टिक किया है ना? भूल गया सर। एक मिनट।
मैं एक काम करती हूँ, पेपर और पेन ये मैनेजर के हाथ में ही चिपका देती हूँ, फिर साइन ही नहीं होगी। ये लीजिए। आ दीजिए, मैं देती हूँ, दीजिए। लीजिए। ये क्या गड़बड़ हो गई? अनुसूया, अरे तेरा हाथ बीच में क्यों डाला तूने बेबली? क्या हुआ सस्मा? मैं ले। अरे चिपक गया है मेरा खड़ी। क्या? मैंने कुछ नहीं किया। मैं खींचती हूँ। और जोर का। हाँ, शशमा, आप चाहती नहीं कि मैं ऐसे शाइन करूँ, इसलिए पेन नहीं दे रही हो। अच्छा लो बंधनी, अभी रखो आपके पास। ए भाई, दूसरी पेन होगी ना? वो क्या नया असिस्टेंट है ना, भूल जाता है। दिखाना, दिखाना। ये ले। माही। ओ, अनसुया, क्या गड़बड़ की तूने? मैडम, मैडम, थोड़ा जल्दी कीजिए ना, दूसरी जगह भी जाना है इसके लिए। अरे अच्छे अक्षर में कर रही हूँ भाई, रुको। अरे बेबली, बेबली मत साइन कर, मेरी बात सुन बेबली। लो भाई, हो गया। बस अब आपका सपना पूरा हो जाएगा अपने पति को कार देने का। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको 5 लोगों को काला साबुन कंपनी की 25,000 की प्रोडक्ट बेचनी होगी। अच्छा। ले, लेती जा। अब चमकार, काला पाउडर की काली चमकार। बोल, किसे इशारा कर रही हो मही? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वैसे मही, ये जो स्कीम है इसमें कितने रुपए का सामान लेना होगा? 25,000 रुपए। 25,000? कहाँ गायब हो गए? अम्मे माँ, 5 क्या? एक भी सदस्य नहीं मिल रहा जो 25,000 की खरीदी करे। पता नहीं अब क्या होगा। अम्मे माँ, आप ही फोन कर दो, 25,000 की शॉपिंग करने वाले कुछ लोगों को भेज दो पापा। कहाँ से ढूंढ के लाओगी 25,000 की खरीदी करने वाले 5 सदस्य? वो तो ऐसे हो जाएगा सस्मा, मेरी दोस्त है ना चंपुड़ी, उसको बोल के रखा है, कोई ना कोई बंदोबस्त हो ही जाएगा। तुम्हारा सपना है ना कि सागर के पास नई बड़ी कार हो, इसीलिए ये लकी ड्रॉ के कूपन खरीदे ना तुमने? हाँ हाँ ससमा, आपको पता है सागर जी की गाड़ी बार बार खराब हो जाती है, बेचारे बहुत तानसेन में आ जाते हैं। जानती हूँ। हे अम्मे माँ, कहीं से तो पैसे मिल जाए। ये लो, पूरे 5,00,000 रुपए। जाओ तुम दोनों, जाओ सागर के लिए बड़ी गाड़ी लेके आओ, जाओ। सच में? कुची 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 कुची। सागर? हाँ मम्मा। ये लो, तुम्हारे ऑफिस से कोई आदमी आया था, कह गए कि इसमें रुपए हैं, चेक कर लो। समझाओ इसे कि सपनों की दुनिया से बाहर निकले और हकीकत में जिए, ओके? हाँ। बार बार सपने देखती और मेरी गाल खींचती है। सॉरी तस्मा। मही, मॉम सही कह रही, ये बड़ी कंपनी वाले सेल और ये कूपन जैसी स्कीम की जाल बनाते हैं, जिसमें तुम जैसे भोले और नासमझ लोग फंस जाते हैं। प्लीज तुम इन चक्करों मत पड़ो, और मही इसे संभालो, इसमें 2,00,000 रुपए हैं, संभाल के रखना कैश 2,00,000 रुपए। मैं भी आता हूं। बेबली, पहले तो देख
आई एम सॉरी हाँ। अरे गलती से वो मैनेजर की जगह पे अनुसुया के हाथ में चिपकने वाला पानी लग गया। लेकिन अब देख मेरी बात तू ध्यान से सुन, वो मैनेजर एक नंबर का लालचू आदमी है, वो तुझे फंसाना चाहता है। अरे मैंने उन लोग की बात सुनी थी, समझी? हाँ, इसके लिए तूने मेरी बात मानी नहीं। लेकिन दादी सास, अब तो फार्म पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं और सिर्फ 1.25 लाख की ही तो बात है। आपको पता है दादी सास, 5-6 लाख की गाड़ी सिर्फ 1.25 लाख में मिल रही है, तो ये तो अच्छी बात है ना। बेबली देख, मेरे पास एक रास्ता है। नहीं नहीं दादी सास, आप कुछ मत कीजिए, मेरे पास पैसे आ चुके हैं। मेरे पास एक प्लान है। मही बहन, आपने कहा था कि आपसे वो 5 लोग नहीं हुए हैं तो 1.25 लाख रुपए आप कैश दे देंगे, बस वही कैश लेने आए। सागर जी सॉरी, वो क्या है ना, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन अब तो मुझे ही पैसों की जरूरत पड़ गई। मही, तुम जो भी करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जाओ पैसे ले। सागर, सागर बेटा, मुझे ऑफिस में अर्जेंटली 1.5 लाख रुपए भेजने हैं और अभी मेरे पास वक्त नहीं है बैंक में जाने का, तो कल तुम्हारे पास कुछ कैश आई थी ना, उसमें से क्या तुम मुझे प्लीज प्लीज 1.5 लाख रुपए दे सकते हो? अच्छा रास्ता ढूंढ निकाला अनुसुया ने ये कंपनी वालों को पैसे न देने का। अरे वाह अनुसुया, तेरे में भी है। थैंक यू बच्चा, थैंक यू। मैं चलती हूँ। कार तो मैं इस घर में किसी भी हालत में आने नहीं दूंगी। ये सासू माँ ना जानबूझकर मुझसे पैसे मांग रहे, उन्हें कोई पैसे वैसे की जरूरत नहीं होगी। नहीं नहीं यार, उन्हें पैसों की जरूरत हो भी सकती है। थैंक यू सागर बेटा। ओके, ओहो इस चिपके हुए पेन का क्या करूं? अरे बेबली, ये पेन तो मैं निकाल दूंगी, लेकिन अब तू पैसों का क्या करेगी? अनुसुया ने तेरे पैसे तो ले लिए ना। अब थैंक यू सागर बेटा। ये पैसे देने के बाद भी कंपनी वाले मही को कार नहीं देंगे, ये मैं अच्छी तरह से जान पर मही को सबक मिले, इसलिए मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। आप कीजिए कीजिए, आपका काम चालू रखिए। हाँ मही मैडम, वो कैश 1.25 लाख रुपए आप मुझे दे रही हो क्या? नहीं, ये लीजिए आपके 1.25 लाख रुपए। एक मिनट, पैसे लेने से पहले मैं चाहती हूँ कि इन कागजात पर आप हस्ताक्षर करें। ये लीजिए। कागजात? क्या इन कागजात? हाँ तो मैं समझाती हूँ ना, इसमें बस इतना लिखा है कि आपकी कंपनी को 1.25 लाख रुपया देने के बाद लकी डिरू की कार मही मेहता के नाम हो जाएगी। और हाँ, आपकी कंपनी ना ही कोई योजना लागू करेगी और ना ही कोई शर्त रखेगी। नहीं नहीं, अब ऐसा किसी भी कागजात पर हम हस्ताक्षर नहीं कर सकते। क्यों? क्यों मैनेजर साहब, खुद हस्ताक्षर नहीं कर सकते और हमसे किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर करवा के लूटते हो? सासू माँ, ये बाबू भाई है, इन्हें भी मेरी तरह लकी ड्रॉ में कार लगी है और मेरी तरह 1.25 लाख रुपए जमा कर रहे हैं। मैनेजर साहब, मुझे तो मदद करने के लिए मेरी सासू माँ तैयार हो गई, लेकिन इन जैसे लोग जो रोज कमाते हैं, अगर उन्हें कार चाहिए तो वो लोग इतने सारे रुपए कैसे जमा करेंगे? अगर 5 ग्राहक ना मिले तो उन्हें कार नहीं मिलेगी। सासू माँ, बाबू भाई से मिलने के बाद मैंने तय कर लिया कि लकी डिरू की कार मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ऐसी कार। और फिर मैंने और सागर जी ने मिलकर ये सारा प्लान बनाया।
ये कागजात तैयार करवाए और अभी जब ये लोग हस्ताक्षर करने से मना कर रहे थे तब ये काले पाउडर वालों के सारे काले करतूत बाहर आ गए। वाह बेबली वाह, ते तो कमाल करी ना। आ मने बहु गम्यो। अब मैडम हम सामने से थोड़ी किसी को बुलाते हैं। हाँ मालूम है, लेकिन ऐसी आकर्षक योजनाएं दिखाकर आप लोगों के मन में लालच पैदा करते हैं और इस लालच में अंधे होकर लोग उल्लू बनते हैं मही और बाबू भाई की तरह। वैसे मैं ये 125,000 रुपए आपको देने के लिए इसलिए तैयार हुई थी क्योंकि मैंने आपके कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में ऑलरेडी फरियाद कर दी है। कंज्यूमर कोर्ट, ग्राहक सुरक्षा केंद्र, क्योंकि मुझे पता था मैं मेरे पैसे आप लोगों से किसी भी हालत में निकलवा कर ही रहूं। अरे किधर भाग रहे हो? पकड़ो! अरे रुको रुको, किधर भाग रहे हो? शाशुमा, इसी बात पर गले मिलिए। नहीं नहीं नहीं, गले नहीं, गले नहीं। पेन को सकते हैं, पेन निकाल प्लीज। हाँ तिलक दिन निंग 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 निंग। हाँ हाँ बाबा, निकलती हूँ अभी, निकल जाएगा। अच्छा हुआ आप मन बहुत गमे हो। What? Oh. Oh.